तो अब क्या है, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा पार्टी करने, थोड़ा चिल करने, और इसका ब्लॉग आपको कल मिलेगा। ये ब्लॉग दो पार्ट में रहेगा क्योंकि जहाँ हम लोग पार्टी करने आज जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेशल जगह है, नया नया ओपन हुआ है। तो अभी मैं ज़्यादा उस बारे में नहीं बताऊंगी, उसके लिए आप नेक्स्ट वाला वीडियो देखो कल का। तो हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन है, जो हम लोग नेक्स्ट आए हुए हैं, वो आए हैं हम लोग डिनर करने के लिए, और वो यहाँ पे आजकल नया स्टार्ट हुआ है और बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे क्रूज़ पे डिनर होगा। हम लोग अभी है गायमुख चौपाटी करके थाने में एक जगह है, तो मस्त ये प्लेस है। यहाँ पे आप ऐसे मतलब वॉक वगैरह भी कर सकते हो, मस्त मस्त हम लोगों ने फ़ोटो खिंचा लिया। और यहाँ से क्रूज़ स्टार्ट होता है, 1-1.5 घंटे का पूरा जर्नी है, और फिर वहाँ पे आप डिनर कर सकते हो। और देखते हैं क्रूज़ के अंदर क्या क्या है, तो चलो आप मेरे साथ। तो मैं इस आज के ब्लॉग में पूरा क्रूज़ का डिटेल्स बताऊँगी आपको क्या क्या है अंदर, और आप लोग आ सकते हो या नहीं, और कैसा एक्सपीरियंस है। चलो बर्थडे डिनर के साथ साथ ये भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। Oh no. हुआ ये कि हम लोग ने शायद अच्छे से वेबसाइट पे देखा नहीं था, यहाँ जो क्रूज़ का राइड है वो बस फ्राइडे, सैटरडे, संडे होता है, और आज है थर्सडे। आज तो राइड नहीं है, पर जो बोट है, जो क्रूज़ है, वो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे मतलब स्टैंड पे ही हम लोग को रेस्टोरेंट इंजॉय करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब इतने दूर से आए हैं तो अब क्या ही, अब क्रूज़ पर डिनर कर ही लेते। तो हम लोग थोड़ा शाम होने का वेट कर रहे हैं, तो उसके बाद आके डिनर करेंगे मस्त वाला। और अंदर अच्छा डेकोरेशन हुआ है, तो थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो डेकोरेशन भी मैं दिखाऊंगी। तो क्रूज़ चलेगा तो नहीं, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन बाकी मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि डिनर कैसा है और अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। तो चलो डिनर ही करते, बर्थडे डिनर क्रूज़ के अंदर। अलग बात है, क्रूज़ वो चलेगा नहीं। तो ये सारे यहाँ पर ऑफर्स लगे हुए हैं, आप आ सकते हो, लेकिन मैं वापस से बता देना चाहूँगी मंडे टू थर्सडे यहाँ पे राइड नहीं होता है। रेस्टोरेंट्स बस लगे हुए हैं, साइड पे क्रूज़ लगा हुआ है, तो आप जब भी आओ, फ्राइडे सैटरडे आओ। अब मैं आ चुकी हूँ तो मैं तो अब जाऊँगी क्रूज़ पे डिनर करने के लिए, लेकिन आप अगर आ रहे हो तो आप फ्राइडे सैटरडे ही बस आओ, बाकी दिन आप मत आओ। एक्चुअली मैं सब कुछ वीडियो में दिखा देती हूँ, और मैं सब कुछ नीचे आपको बता दूँगी डिस्क्रिप्शन में कि यहाँ पे क्या क्या है और हम लोग ने खाने में क्या क्या ऑर्डर किया है। क्योंकि यहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा है तो फिर वॉइस नहीं आएगा, तो चलो आप पूरा डिटेल देखो। इंटीरियर में बैठ सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे जो डीजे है, मतलब अगर डांस वगैरह करना है तो डांस फ्लोर है। ऐसे ही मतलब सारे चेयर के बीच में एक स्पेस है जहाँ पे आप डांस कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहती हूँ, जो आई थिंक मैं भी बहुत लोगों को वीडियो देख के आई थी और बहुत लोगों ने ये नहीं बताया था कि अगर अभी हम लोग वीकडेज में आते हैं फ्रॉम मंडे टू थर्सडे तो 500 एंट्री चार्जेस है, एंड दैट विल बी लाइक हम लोग अंदर आके उसको आप खाने में कन्वर्ट कर सकते हो, वो मतलब अंदर आके यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप वीकेंड में आते हो लाइक फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, तीनों दिन में से किसी भी दिन, उस दिन यहाँ पे 700 एंड 600 एंट्री चार्जेस है और वो आपका कवर अंदर नहीं होगा, दैट इज़ ओनली एंट्री चार्जेस, मतलब आप बोट में बैठ के घुमाने का चार्जेस है। तो आप लोग ये ध्यान में रखना कि अगर आप लोग वीकेंड में आते हो तो 700 फॉर द सैटरडे एंड 600 फॉर द फ्राइडे आपको बस घूमने का चार्जेस है, अंदर कोई कवर अप नहीं है, आपको खाने का या ड्रिंक करने का आपको अलग से देना पड़ेगा। और अगर आप वीकडेज में आते हो जैसे कि हम आए थर्सडे को, तो आपको जितना भी चार्जेस है 500 ईच एंट्री चार्जेस वो अंदर पूरा कवर हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, याद रखना। अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा किया यार, क्योंकि एज ऑनेस्ट अगर आप बोलोगे रिव्यू देने के लिए तो 700 बहुत ज़्यादा होता है जस्ट फॉर एन आवर, जिसमें आपको कुछ कवर नहीं होगा, आप बस बोट से 1 घंटा घूम पाओगे। सो इट्स योर चॉइस, अदरवाइज इट्स अ नाइस प्लेस, आप आके हैंग आउट कर सकते हो, चिल कर सकते हो, म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, खाने का क्वालिटी भी अच्छा है। Wishing you a very happy birthday, Snowbomb. You had a beautiful birthday. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday. मेरा हैप्पी बर्थडे तो बहुत मस्त रहा, मैंने बहुत इंजॉय किया और मेरे को जो जो करना था मैंने अपने बर्थडे में पूरा काम कर लिया। तो आप लोग भी अपना बर्थडे ऐसे ही इंजॉय करो, आपको जो जो मन है वो करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। 1 ईयर हो चुका है चैनल मेरे को और अराउंड 350 सब्सक्राइबर्स है, तो प्लीज़ गाइज और थोड़ा सपोर्ट करो। एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।